हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के स्टडी में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरेज। इसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरेज, उसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चीजों को हम लोग सीखेंगे। क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स? क्या होते हैं आइसोमर्स? हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेम होगा। लिंकेज क्या होता है, सेम होता है बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आइसोमर्स हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप। उनके और एटम और ग्रुप का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। यानी उनमें कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा, लिंकेज सेम होगा, एटम की पोजिशन थ्री डायमेंशन में क्या होगी, अलग अलग होगी, वो आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ये स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग क्लासीफाई करें तो ब्रॉडली दो पार्ट है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरेज और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरेज। कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपका होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज और सिस्ट्रॉन आइसोमेरेज, और दूसरा आपका क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरेज। ठीक, तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरेज दो पार्ट में, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो आपका फर्दर दो पार्ट में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज या सिस्ट्रॉन आइसोमेरेज और ऑप्टिकल आइसोमेरेज। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरेज। उसमें हम क्या होता क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या आइसोमेरेज, यह होता है अराइज ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से ये आपका आइसोमर्स बनता है, शो होता है। अराइज ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड ड्यू टू वेरी लेस डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस। यानी जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है बेटा वह फॉर्म होते हैं या वह कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स शो होती है रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से शो होती है। और ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं किया सकता क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ऐसा देखिए सिंपली आपको यदि हम बात करें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड H2O2, तो आपको उसका स्ट्रक्चर यदि याद हो, ये स्ट्रक्चर उसका ये होता है और दूसरा ये दोनों आपस में क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। क्या है बेटा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। उसी तरह आप एथेन का देखिए C2H6, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना CH3, तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान आपको बनाना अपने सीखा होगा, आपको इसको समझना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये थोड़ा दूर बनाया, इतना दूर होता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और इसमें एक को स्थिर रखना, दूसरे को घुमा दे बेटा जी, दूसरे को जब घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। इक्लिप्स मतलब बेटा एक ऊपर एक हो, जैसे ये आपका है 3D है, समझिए इसको, थ्री डायमेंशन है ये इक्लिप्स ऐसा है इस तरह से, और स्टैगर्ड ऐसा है, इक्लिप्स ऐसा है और स्टैगर्ड ऐसा है। तो ये वाला आपका इक्लिप्स है और ये वाला क्या स्टैगर्ड है। तो मतलब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स सीखने के लिए पहले हमें कुछ, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो टू डायमेंशन में डिस्कस करते हैं, कॉपी या बोर्ड क्या है टू डायमेंशन में, लेकिन हमें जो क्वेश्चन मिलता है या फिर आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि आगे क्वेश्चन की जरूरत पड़ती रहेगी इसकी, तो हमें पहले थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट जो है कैसे होता है उसमें हमें सीखना है। फ्लाइंग विच कन्फर्मेशन, सी हॉर्स कन्फर्मेशन, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन मिलेगा अभी जो मिलेगा पहले तो हमें उसे ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब बातें आएंगी कि वो बैक से अटैक कर रहा है, सिंग में अटैक कर रहा है, एंटी में अटैक कर रहा है। एलिमिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको यह कन्फर्मेशन के अलग अलग जो प्रोजेक्शन है, थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन है, वो बनाना आना चाहिए। पहली बात तो बनाना आना चाहिए, दूसरी बात ये समझ में आ जाएगी कौन अबव द प्लेन है, कौन बिलो द प्लेन है, कौन इन द प्लेन है,
ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे, पहले इसे कॉपी कर लीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लिया आपने ड्रेस का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान है, ऐसा नहीं देखिए केमिस्ट्री में खास बात है कि आप पूरा एक एक तरफ से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं तो धीरे चीजें आसान होती आती है, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, आप सीखेंगे तो चीजें आने लगेंगी आपको। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है और समझने की कोशिश करनी, क्योंकि आपने इसे पढ़ रखा है बेटा, पहले नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, इस बार पढ़िए और चीजों को सीखने का प्रयास करिए, तो कोशिश करेंगे तो आपको आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं कि एडिंग एवरेज वाली रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए बेटा। यदि आप एक बार इसको समझ गए तो समझ लीजिए आप यूनिवर्सिटी की आप चीजें समझने लगे हैं। अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं, आपको क्वेश्चंस के हिसाब से प्रोजेक्शन को आगे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे, या किसी भी रिएक्शन को बताएंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा, बार बार इसको नहीं बताया जाएगा। अभी आप सीखने का प्रयास करिए और सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये आएगा तो आगे आपको केमिस्ट्री सीखने में मजा आएगा। चलिए बेटा, पहला इसमें जो क्वेश्चन को सीख रहे हैं वो है आपका, फर्स्ट सीख रहे हैं वो है फ्लाइंग विच। फ्लाइंग विच रिप्रेजेंटेशन, इसमें मॉलिक्यूल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है CH3 CHO, CH, OH और CH2OH, इसका एग्जांपल लिया है। देखिए इसमें आपको कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्या क्या समझना है आपको, ध्यान दीजिए। इसमें इस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाले कार्बन को, बेटा ये आपका कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन है, दो बॉन्ड इन द प्लेन होंगे, किसी को कर दीजिए यहाँ पे क्योंकि आपसे कुछ पूछा नहीं है, तो दो बॉन्ड इन द प्लेन होगा, एक हाइड्रोजन लगा, एक ओएच लगा, एक सीएचओ लगा और एक सीएच2ओएच लगा है, और जो ये आपको सॉलिड सा दिखाई देता है उसमें हमने कर दिया सीएचओ को। आपको क्वेश्चन देने के बाद उसमें लिखा रहेगा कौन किधर है, बस आपको समझना है कि कौन किस साइड में है, और ये सीएच2ओएच, बहुत ध्यान समझिए। बेटा ये जो सॉलिड बॉन्ड है ये वाले, ये दोनों हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये बॉन्ड यानी OH और H जो है वो पूरे कंप्लीट बॉन्ड बनाया है मैंने बेटा, तो वो प्लेन ऑफ द पेपर है, यानी पेपर के प्लेन पर है भाई, 2D दो बॉन्ड तो पेपर प्लेन पर होगा, बाकी 3D करना है तो बाकी दो बॉन्ड चार बॉन्ड होगा, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो दो बॉन्ड आपका हाइड्रोजन और जो OH लगा है वो इन द प्लेन है, यानी पेपर के प्लेन पर है या बोर्ड के प्लेन पर है, ओके। फिर जो ये आपको देखा सॉलिड यानी मुक्कल आ जाए वो क्या है, वो आपकी तरफ है, यानी टुवर्ड द ऑब्जर्वर या अबव द प्लेन ऑफ पेपर, इसको ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की तरफ, पर ऑब्जर्वर की तरफ हुआ तो बोर्ड से बाहर हुआ ना, या आपकी कॉपी से क्या हुआ बाहर हुआ, की तरफ आएगा कॉपी बाहर, यानी और इसको क्या बोलते हैं अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान रखिए ये क्या है, ये आपका इस तरह का बॉन्ड दिखाया गया वो होता है क्या टुवर्ड द ऑब्जर्वर या अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, यानी जो हम बॉन्ड की बात करें तो समझिए, थोड़ा प्रयास करते हैं सिखाने का आपको, ये दो आपका इन द प्लेन है
मार्कर बटा मोटा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक, ये जो ब्लैक वाला आपने तब देखा, ये क्या है, पेपर से बाहर है, और जो दूसरा बटा ब्लू वाला है वो क्या है, पेपर के अंदर है, और ये दोनों बॉन्ड क्या है, ऑन द पेपर है। तो ये चीज होनी होती है। तो सॉलिड वाला दिखा रखा है वह टूवर्ड द ऑब्जर्वर और अबव द प्लेन ऑफ पेपर, और जो ये डैश लाइन दिखा रखा है ये क्या है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा फ्लाइंग विंग में, आपको खूब क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका एसएन2 रिएक्शन बताई जाएगी, तो बताया जाएगा बैक साइड से अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, तो वहां ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी, इसलिए आपको यह प्रोजेक्शन बहुत से समझना है। जो फुल बॉन्ड दे रखा, सॉलिड बॉन्ड दे रखा, वो बेटा आपका इन द प्लेन ऑफ पेपर है, पेपर के प्लेन पर है। जो सॉलिड फॉर्म में दे रखा हुआ टूवर्ड द ऑब्जर्वर या अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, जो डैश डैश में दे रखा है वह अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज आपको समझनी है, कॉपी के लिए उधर कॉपी कर लिया नहीं गया, कॉपी हो गया। तो अब देखिए, अब हमें दूसरा प्रोजेक्शन सीखना है। हर प्रोजेक्शन में एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत डिटेल में इसकी बेटा पढ़ती रहेगी, हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए समझ में कि कौन बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, कौन वाला बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, क्योंकि आगे हम लोग जो आरएस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे तो वहां इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कौन बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, कौन अबव द प्लेन ऑफ पेपर है। अगला देखिए, फिशर प्रोजेक्शन दूसरा हमारा है, फिशर प्रोजेक्शन नेक्स्ट हमारा है। फिशर प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रखा, ये आपका है, ये वर्टिकली शो किया जाता है, इस तरह बॉन्ड होता है इसमें, इसमें क्या होता है, हमने लिखा है सी एच ओ ओ एच सी एच टू ओ एच और एच, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये पूरी लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन आर लाइन, या फिर क्या होगा बेटा, बॉन्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन और बॉन्ड, ये क्या होगा बेटा, ये होगा पॉइंट्स टूवर्ड ऑब्जर्वर, टूवर्ड ऑब्जर्वर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बॉन्ड है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर होते हैं, यानी इसका मतलब कहाँ होते हैं बेटा, इसका मतलब होते हैं अबव द प्लेन ऑफ पेपर। अबव द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड क्या है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, यानी ये इसमें से एक कोई होगा, लेकिन क्योंकि अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट दो ही लाइन कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बॉन्ड क्या है, एक एक आपका इन द प्लेन होगा, दूसरा कहाँ होगा, दूसरा टूवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, यानी अबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और जो वर्टिकल लाइन है जो आपकी जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, पॉइंट बॉन्ड पॉइंट क्या है, ये सॉरी ये अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन ऑफ, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं बड़ा, क्योंकि आपका क्या है, ये जो बॉन्ड है वर्टिकल वाला वह कहाँ है, उसको अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर मानते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या मानते हैं,
टूवर्ड द ऑब्जर्वर या अबव द प्लेन ऑफ पेपर मानते हैं। ये आपको बॉन्ड ध्यान में हम आरएस नॉमेनक्लेचर करेंगे वह इसका बहुत इस्तेमाल होगा। ये ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह क्या है अबव द प्लेन ऑफ पेपर है या टूवर्ड द ऑब्जर्वर है और वर्टिकल लाइन जो है वो क्या है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है कॉपी कर लीजिए इधर बड़ा कॉपी हो गया। एक नोट लिखिए नोट क्या है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एनी कंपाउंड हैविंग टू मेट्रिक कार्बन हैविंग टू एसिमेट्रिक कार्बन इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज क्यों लिस्ट होता है बिकॉज इट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल वो कंपाउंड जिनमें दो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उनका यदि फिशर प्रोजेक्शन में दे रखा है उसे कौन सा लिस्टेबल है तो फिशर प्रोजेक्शन वाला लिस्टेबल होगा क्योंकि वह फुल्ली इक्लिप्स होता है। फुल्ली इक्लिप्स होगा तो रिपल्सन बहुत ज्यादा क्योंकि जस्ट उसके ऊपर होंगे तो रिपल्सन क्या होगा बहुत ज्यादा रिपल्सन ज्यादा स्टेबिलिटी कम। कॉपी कर लिया कॉपी हो गया अब देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्शन सब प्रोजेक्शन का यूज होगा बेटा हम लोग आगे आरएस नॉमेनक्लेचर सीखें जब ऑप्टिकल एक्टिविटी में तो वहां आपको आरएस नॉमेनक्लेचर का वगैरह क्वेश्चन पूछ लेता है और नहीं पूछता है तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत जरूरत पड़ेगी तो आना चाहिए आपको आरएस नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आपको मैं सिखा दूंगा बस आप साथ जुड़े रहिए और लेक्चर हमारे प्रॉपर देखते रहिए। अगला बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है हार्स प्रोजेक्शन हार्स प्रोजेक्शन इसको देखिए बेटा इसमें समझिए इसमें दो प्रोजेक्शन ने आपको अभी बनाया था CH3 का ये दो कार्बन है इसमें दो कार्बन है ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है भाई इस कार्बन तीन हाइड्रोजन ले रखा है लगा दीजिए हाइड्रोजन ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है उसमें भी तीन हाइड्रोजन है हाइड्रोजन देखिए ये बॉन्ड आपस में क्या है पैरेलल है इसको बोलते हैं इक्लिप्स क्या बोलते हैं इक्लिप्स और इसमें एक को घुमा दीजिए इसको मैंने कांस्टेंट रखा इसको घुमा दिया 60 डिग्री घुमा दिया कितना घुमा दिया बेटा 60 डिग्री तो देखिए ये एच ये एच ये एच 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 और एच इसको बोलते हैं स्टैगर्ड क्या बोलते हैं स्टैगर्ड क्या बोलते हैं बेटा स्टैगर्ड बोलते हैं ठीक रिकॉर्ड देख लीजिए मैं कहता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 इन दोनों कार्बन को हम ले रहे हैं देखिए CH3H भाई इससे क्या जुड़ा है एक CH3 2H भाई सॉरी कार्बन से एक CH3 2H CH3H और H ये क्या बना ये है इक्लिप्स्ड और CH3HH H CH3
स्टैगर्ड, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली क्लिप, जो रिपल्सन बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे जस्ट पैरेलल है तो रिपल्सन ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, ये डी है बेटा स्टैगर्ड, इसको बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं एंटी, क्योंकि ये एस से एस के बीच में क्या 180 डिग्री का कोण है, सीधे सीधे कितना 180 का डिग्री का एंगल है, इसलिए क्या ये एंटी है, दो बड़े ग्रुप क्या है 180 पर है तो उसको बोलते हैं एंटी, ठीक है स्टैगर्ड ये स्टैगर्ड में क्या है ये एंटी, देखो हो गया बेटा सही। अब हमारा अगला सीखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन वो कैसे करते हैं बेटा, इसको सीखते हैं हम लोग न्यूमैन कैसे करते हैं, न्यूमैन बेटा क्या होता है सर्किल बनाते हैं लोग, तो सर्किल से कौन होता है समझिए, नेक्स्ट आपका है चौथा है न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे आपको सी एस थ्री का लिखना, बहुत ध्यान समझिए, इसमें बड़ा एक बॉन्ड आपका होता है ये कार्बनिक है, इसमें एक को रिमूव करते हैं ऐसे डॉट से, और दूसरा आपको होता है कार्बन होता है सर्किल से, इसे होता है सर्किल से, एक सर्किल ये कार्बन है, ये क्या है कार्बन, और ये डॉट क्या है कार्बन, ठीक है तीन बॉन्ड ये हुए दो तीन, भाई ये कार्बन होगा एक जुड़ा होगा इससे, तो इसको देखिए ये हुआ इसका है, ये सर्किल एक कार्बन हो गया जिस पर तीन हाइड्रोजन लग रखे, बहुत ध्यान समझिए बेटा, और दूसरा क्या हो गया ये कार्बन क्या हो गया ये आपका यहाँ पर है डॉट, ये भी कार्बन है, ना होता है दूसरे के पैरेलल में है बॉन्ड छोटा, हमने इसलिए दिखा रखा है बराबर दिखा दें पहले ना अपने कठिन होगा, ये इसके क्या ऐसे है ऐसे, इसको तो समझिए जैसे ये है ऐसे थोड़ा, क्योंकि आपको इसको दिखाई नहीं देगा ऐसे है, तो हमने इसको थोड़ा छोटा कर ताकि समझ में आ सके कि ये वाला एक कार्बन है और सर्किल वाला एक कार्बन है, इसको हमने ये क्या है ये आपका एक्लिप्स, दूसरा देखिए एक को कांस्टेंट रखते हैं, हमने इसको कांस्टेंट रखा, किसको रिंग वाले को कांस्टेंट रखा, इसको घुमा दिया तो कहां पहुंच गया एच एच, ये क्या है स्टैगर्ड, क्या हो रहा है स्टैगर्ड, क्या है इसको स्टैगर्ड बोलते हैं, एथेन का ये है, एथेन का ये क्लिप फॉर्म और ये स्टैगर्ड फॉर्म, और थोड़ा देखिए हम बनाते हैं ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2 CH3, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेता है कभी कभार, हमें इन दो कार्बन का बनाना है इन दो कार्बन के बीच में, ठीक देखिए पहले हम बनाते हैं CH3 H H, ठीक ये फर्स्ट, आपने एक को कांस्टेंट रखा और 60 डिग्री घुमा दिया, कितना घुमा दिया 60 डिग्री, तो देखिए एक को आपने कांस्टेंट रखा, हमने इसको कांस्टेंट रखा है CH3 H, इसको घुमा दिया तो ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, क्या बोलते हैं बोलते हैं स्टैगर्ड, इसके लिए लगाता है गौची, क्या बोलते हैं उसको गौची, स्टैगर्ड से क्या बोलते हैं गौची, स्टैगर्ड ये इसलिए क्या नाम है गौची, अब उसके बाद आपने क्या किया इसको फिर 60 डिग्री घुमाया, बहुत ध्यान समझ रहे कैसे घुमा रहे हैं, ये आपका फिक्स था, ये क्या था
ये आपका फिक्स था, ठीक। इसको घुमा बड़ा तो अभी ये यहां से घूम के यहां आ गया, इसके जस्ट नीचे बड़ा साइड में लिख रहा हूं, लेकिन ये है उसके क्या पैरेलल, कहां है पैरेलल 180 डिग्री का कोण है, मतलब 0 डिग्री कोण है इन दोनों में, क्योंकि हमको दिखाना है इसलिए उसको साइड कर दिया, ठीक। अब फिर 60 घुमा दिया, ये कहां आ गया, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये आ गया CH3HH, ये आ गया H, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये CH3 कोई दिक्कत नहीं। फिर 60 डिग्री घुमा दिया तो कहाँ आ गया बेटा, तो आप कर सकते हो बेटा, यहाँ हम लिख रहे हैं आप अपने से भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत ऐसा कठिन काम नहीं है। ये CH3 यहाँ आ गया, H या नहीं आया अभी, अभी तो उसके पैरेलल में आएगा, सॉरी, ये यहाँ आ गया CH3, यहाँ H आ गया और यहाँ H आ गया, फिर घुमा दिया 60 डिग्री, अब आएगा वहाँ पर, तो CH3HH, CH3HH, ओके। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वाला फिफ्थ और ये वाला सिक्स्थ, ठीक है, ओके। इसे बड़ा कर लिया साइड में, तो कॉपी हो गया। अब देखिए क्या क्या फॉर्म है, सॉरी वहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर क्योंकि वहां लिखेगा तो स्पष्ट हो जाएगा, नंबरिंग कर दी है आपके लिए। क्या होगा फर्स्ट वाला, यदि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे अधिक स्टेबल होगा कौन सा, फोर्थ वाला, वो क्या है, वह एंटी, क्या है एंटी, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में क्या है एंटी, क्योंकि CH3 में वो एंटी कौन है, दूरी सबसे ज्यादा है, रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन रिपल्सन मिनिमम, ठीक। तो उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका होगा गौची वाला, उसके बाद गौची में कौन सा, गौची ने नंबर लिखे हुए हैं, नंबर कौन कौन सा, नंबर सेकंड और नंबर सिक्स्थ, सेकंड और सिक्स्थ, ठीक, ओके। और उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी है, उसके बाद स्टेबिलिटी है इसकी थर्ड की और फिफ्थ की, थर्ड और फिफ्थ, और लीस्ट टेबल कौन है, लीस्ट टेबल आपका फर्स्ट है, ये आपका एक्लिप्स, ये है फुल्ली एक्लिप्स, ये आपका है स्टैगर्ड, लेकिन इसको क्या होते हैं गॉच, ठीक। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसी होगी एंटी होगी, ये भी स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में क्या है एंटी, एंटी क्यों है, क्योंकि CH3 में क्या है रिपल्सन मैक्सिमम होगा, क्या होगा बेटा मैक्सिमम, रिपल्सन मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी क्या है मिनिमम, ओके। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग सीखते हैं। और हम प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन का भी सीख लिया बेटा, देखिए CH3 CH2 CH3, किसी दो कार्बन का होगा, चाहे इसको इसको ले, चाहे इसको इसको, मान लीजिए इसको इसको लिया, दो कार्बन ले रहे हैं तो बना देते हैं, कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन
एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वाले में क्या है, एक CH3, एक हाइड्रोजन और एक, ये क्या है, ये है एक CH। और इससे अधिक स्टेबल कौन होगा, इससे अधिक स्टेबल होगा आपका ये, CH3 या फिर क्या है, ये स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इक्लिप्स से, इक्लिप्स से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया है, यहाँ पर लिख दिया है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो और चीज सीखते हैं। कुछ और कंफर्मेशन की बात करते हैं जो अक्सर पूछे गए हैं, और एक आपका पूछा था थोड़ा कॉपी कर लीजिए सर, उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बताने आपको जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कॉम्पिटिशन में, तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, और तो आपके इस बार कॉम्पिटिशन में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना होता है जिसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं उनकी पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंफर्मर्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल के आपको बताने हैं कंफर्मर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पूरा पहला सिंपल तरीका है, देखिए होता है क्या, इथाइलीन ग्लाइकॉल होता है CH2OH, तो बनाइए पहले, OH, H, H, OH, H, OH, हमेशा यहीं से शुरू करते हैं, 16 घुमा दीजिए, तो क्या होगा, पहले जो फिक्स है उसको बना लीजिए, OH, H, H, OH, फिर 60 डिग्री घुमा दीजिए, OH, H, H, OH, H, H, फिर 60 डिग्री घुमा दीजिए, OH, H, H, OH, H, OH, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर था एक हमने कॉन्स्टेंट रखा है, इस वाले को जो ऊपर दिख रहा है इसको घुमाया तो यहाँ से कहाँ गया, इस जगह आ गया, फिर घुमाया तो इस जगह आ गया, भाई ये घूमेगा, भाई ये घूमेगा तो ये भी तो घूमेगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर तो ये पॉइंट यहाँ आया, ये इस जगह गया, ये वाला इधर आ गया, फिर 60 घुमाया, 60 यहाँ, ये वाला कॉन्स्टेंट रखिए, भाई ये घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे जस्ट, ये वाला वहां पर चला जाएगा और ये इस जगह पर आ जाएगा, ठीक। फिर घुमाएंगे 60 डिग्री, तो क्या होगा, OH, H, 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 H
फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड,
ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। थोड़ा तो मैं समझिए यहाँ से, ये क्या है, ये फुल्ली इक्लिप्स, ये आपका है गौची, ये क्या है, ये है क्लिप्स, ये क्या है, ये आपका है एंटी, ये क्या है इक्लिप्स, और ये क्या है, थोड़ा ध्यान दे बेटा। गौची में हमने क्या है, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यहां भी बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मैं इधर कॉपी कर लिया, तो एथिलीन ओके ग्लाइकॉल जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, वो हो जाएगा अलग, जो आपने बाकी का देखा कि एंटी वाले की स्टेबिलिटी आया थी, तो आप आंख मूंद के एंटी वाले को मत करिए स्टेबल, पहले देखिए क्या संभावना है, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है जैसे यहाँ पर दिखा रहा है तो चेंज हो जाएगा सिनेरियो, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे अधिक स्टेबल होगा यहाँ पर कौन सा, दूसरा और छठा, यानी गौची, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, गौची होगा, उसके बाद कौन स्टेबल होगा, फिर आपका होगा फोर्थ वाला, कौन सा, एंटी लेस रिपल्सन, उसके बाद कौन होगा, फिर आपका होगा तीसरा और पांचवा, कौन सा, इक्लिप्स, इक्लिप्स, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, पहला फुल्ली इक्लिप्स। अभी धोखे मत रहेगा कि फुल्ली इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि वो जस्ट उससे पैरेलल रहेंगे, रिपल्सन दोनों के लोन पेयर का बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए इसमें रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम, रिपल्सन मैक्सिमम, इसलिए क्या है, लीस्ट स्टेबल, इसलिए क्या है, लीस्ट स्टेबल है। कॉपी कर लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एथिलीन ग्लाइकॉल का, कई बार पूछा गया है इस पर, तो आपको ध्यान चाहिए, इसमें गौची आपका सबसे अधिक स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि गौची में ऐसी कंडीशन है कि OH OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है, बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से गौची आपका मोस्ट स्टेबल। कॉपी कर लीजिए, फिर आपका हम बताते हैं कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक, कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, इसमें आपका पूछता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन का भी, क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं बना देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, देखिए बेटा आपका एक होता है, आपका कैसे बनाया मैंने देखिएगा, पहले ये आपका इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म ये होता है स्टैगर, क्या होता है स्टैगर, ये होता है मोस्ट स्टेबल, ध्यान रखिए
चेयर फॉर्म आपका मोस्ट स्टेबल है, फिर आपका कौन सा है बोट फॉर्म, कौन सा फॉर्म बोट फॉर्म। बोट फॉर्म ये होता है क्लिप्स। ठीक, और कौन कौन से बच्चे बेटा, और आपका बच्चा ये आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन, तो बोलते हैं ट्विस्ट बोट, क्या बोलते हैं ट्विस्ट बोट, ये होता है कायल। ठीक, फिर अगला देखिए ट्विस्ट बोट। ठीक, और ये आपका है, ये क्या है हाफ चेयर, हाफ चेयर। ये चार कन्फर्मर हैं साइक्लोहेक्सेन के, कौन कौन सा, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको ध्यान रखना है बेटा वो ये है, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि डाइहेड्रल रिपल्सर जो होता है उसमें से कम होता है, मंथली डाइहेड्रल रिपल्सर, फिर उसके बाद ट्विस्टेड बोट, उसके बाद बोट फॉर्म, सबसे कम स्टेबल कौन होता है हाफ चेयर, सबसे कम स्टेबल कौन है हाफ चेयर फॉर्म। ये आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रहेगा पूछ लेगा कौन स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा सही है, इस पर क्वेश्चन रखता होता है तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट स्टेबल तो सबको याद आता है कि चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, लेकिन ऑर्डर क्या है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन इन 1,4 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये इसको इस तरह कहें 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, ये सही है, इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर, पहला ऑप्शन था चेयर फॉर्म, दूसरा ऑप्शन बोट फॉर्म, तीसरा ऑप्शन ट्विस्ट बोट, और चौथा ऑप्शन हाफ चेयर फॉर्म। पूछ ले आपसे कि 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल में कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा, चेयर फॉर्म होगा, बोट फॉर्म होगा, ट्विस्टेड बोट फॉर्म होगा, हाफ चेयर फॉर्म होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें सबसे अधिक स्टेबल होगा बोट फॉर्म, क्यों होगा मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूँ कि रीजन वही है क्योंकि यहाँ पर इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन है, कौन सा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसमें बोट फॉर्म में, इसीलिए यह ज्यादा स्टेबल होगा, चेयर फॉर्म स्टेबल ज्यादा नहीं होगा। तो आपको रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन, आपको कंडीशन बताई मैंने, यदि OH लगा है या हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है तो पहले देखिए कहाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी है तो जिस फॉर्म में हाइड्रोजन बनेगा वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, आपके ये ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछ चुका है आपको
रिंग्स के बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट करके ध्यान रखिए क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया था कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोप्रोपेन में यहाँ बॉन्ड एंगल 60 होता है, ध्यान रखिए बेटा। फिर साइक्लोब्यूटेन में यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री, साइक्लोपेंटेन यहाँ होता है 108 डिग्री और साइक्लोहेक्सेन में यहाँ होता है 120 डिग्री। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की, देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोप्रोपेन, सबसे लीस्ट स्टेबल है वो है आपका साइक्लोप्रोपेन। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताया ये स्टेबल, क्योंकि लेस एंगल मोर स्ट्रेन मोर रिपल्सन लेस स्टेबल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर रिएक्टिव, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा है, इसी बात स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा है। तो आज यहां रखते हैं कन्फर्मर्स में, यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आपको जितना चीज बताई है सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो एक बार देखिए पूरा, फिर आपको हो सकता है तो दो बार वीडियो, इस वीडियो को कम से कम दो बार देखिए, क्योंकि दो बार आप देखेंगे तो चीज़ आपको समझ में आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, इंपॉर्टेंट मतलब इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें प्रोजेक्शन से जो पड़ेगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।